सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोडो हित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी J7 Plus के बारे में। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी J7 Plus को कब लॉन्च किया जाएगा, इसकी प्राइस क्या रखी जाएगी और इस फ़ोन में हमें क्या क्या स्पेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस फ़ोन में हमें क्या क्या स्पेस देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इस फ़ोन में आपको मिलेगा 5.5 इंच का HD सुपर एमोलेड स्क्रीन, जिसका रिजोल्यूशन होगा 1080x1920 पिक्सल के साथ। ये सुपर एमोलेड स्क्रीन होने वाला है। अगर बात करें डिज़ाइन की, तो इसमें आपको फुल मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन के साथ आने वाला है, तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको फुल मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन इस फ़ोन में देखने को मिलेगी। 2.3 GHz का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक्जीनोस के 7870 चिपसेट के साथ आने वाला है। अभी तक कंफर्म नहीं है कि कौन सा चिपसेट आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेगा। 4 GB की रैम मिलेगी, 32 GB की इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी, जिसको आप एक्सपेंडेबल कर पाएगा 256 GB तक। अगर बात करें कैमरा क्वालिटी की, तो इस फ़ोन में आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी की, जो पहला कैमरा इस फ़ोन में जो आपको पहला रियर कैमरा देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको 13 MP का, जिसका अपर्चर है f/1.7 अपर्चर के साथ। और जो दूसरा कैमरा होगा वो होगा 5 MP का, जिसका अपर्चर है 1.9 अपर्चर के साथ। तो इस फ़ोन में आपको बैक में डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। जी हाँ, मैं बता दूँ कि सैमसंग का ये दूसरा फ़ोन होगा जिसमें आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। तो जो दो कैमरा है वो आपको पोर्ट्रेट मोड और लाइव फोकस मोड इस फ़ोन में आपको दिया गया है। तो जो बैकग्राउंड होगा पूरी तरह से ब्लर हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट की गई है कैमरा में। जिस तरह से आपको सैमसंग गैलेक्सी Note 8 में देखने को मिलती है, उसी तरह से आपको इस फ़ोन में भी देखने को मिलेगी, जो इमेज का इफेक्ट होगा। और बात करें अगर हम लोग इस फ़ोन की फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में आपको मिलेगा 16 MP का फ्रंट कैमरा। तो जी हाँ, 16 MP का इसमें आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, तो बहुत बड़ी बात है ये। और डुअल कैमरा का आपको बैक सेटअप देखने को मिलेगा। तो कैमरा ओवरलुक काफ़ी अच्छा है, कैमरा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है इस फ़ोन में। 13 MP प्लस 5 MP का डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, और साथ में आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी बात है, जैसे कि आप पिक्चर्स देख ही सकते हैं कि कैमरा के ऊपर पिक्चर्स आई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है और कलरफुल क्वालिटी लग रही है। तो कैमरा ओवरलुक काफ़ी अच्छा होने वाला है इस फ़ोन का। तो देखते हैं कि ये फ़ोन कब तक आता है। अब बात करते हैं हम लोग इस फ़ोन की बैटरी की। तो इस फ़ोन में आपको मिलेगा 3000 mAh की बैटरी। जी हाँ, 3000 mAh की इस फ़ोन में आपको बैटरी मिलेगी। और जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता, ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। इसमें आपको एंड्रॉयड का 7.1.1 नुगढ़ दिया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, हमको लेटेस्ट वर्जन दिया जा रहा है, शायद आपको फ्यूचर में एंड्रॉयड ओ का भी अपडेट मिल जाए। डुअल सिम सपोर्ट करता है, 4G वोल्टी है, तो ओवरलुक फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फ़ोन को कब लॉन्च किया जाएगा। तो पहले इस फ़ोन को थाईलैंड में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद ही बाकी कंट्रीज़ में इस फ़ोन को लॉन्च किया जाएगा। तो मैं बता दूं कि थाईलैंड में या अगस्त के लास्ट तक लॉन्च कर सकते हैं, या फिर सितंबर के स्टार्ट में, जहां तक अभी हम मुझे पता चले, मैं उसके आधार पर आप लोगों को बता रहा हूं। अगस्त के आज, मतलब आज तो लगभग आपको 27 तारीख हो गई, तो 30 तारीख से लगभग आपको 31 तारीख के बीच में ये लॉन्च होते हुए दिख सकता है, या फिर सेप्टेम्बर के स्टार्ट वीक में ये फ़ोन लॉन्च होगा। और अगर प्राइस की बात करूं इंडिया के हिसाब से, तो इंडिया के प्राइस के हिसाब से लगभग इसकी प्राइस 24,000 रुपीस हो सकती है, 24 या 20 हज़ार से ज़्यादा ही रहने वाली है, जहां तक मुझे पता चली है। तो देखते हैं कि किस प्राइस पॉइंट पर इस फ़ोन को इंडिया में लॉन्च करते हैं। और अगर मैं बात करूँ इंडिया के लॉन्च डेट के बारे में, तो अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है, मैं कन्फर्म नहीं बता सकते कि कब तक इस फ़ोन को इंडिया में लाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि इस फ़ोन को अब तक दिवाली में आते हुए देख सकते हैं। तो आप डेली अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि जैसे मुझे कोई फ्यूचर में अगर अपडेट आता है, तो मैं तुरंत आप लोगों को वीडियो बना के पहुँचा दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आप लोगों को। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्यूचर में मुझे जैसे कोई और अपडेट आता है, मैं तुरंत आप लोगों को वीडियो बना के पहुँचा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोस, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।